could see you meant it when you told me that you loved me, but the timing wouldn't work. I could see it on your face, you're sorry that you never meant to cause me all this hurt. Wouldn't change a thing. I'm falling fast, and you're all I see. I try to leave my head now, 'cause I'm lonely, and the dark places I go won't let me grow. Just a night or two for us sounds lovely, but the more time spent, it's harder to let go. If I could go back, I wouldn't change a thing. अस्सलाम वालेकुम जी. वैसे तो मैंने ये जो भी बात करने लगा हूँ यूनिवर्सिटी में बैठे करनी थी उसी वीडियो के आगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी कि मैं वहाँ शूटिंग कर सका कहीं पे. सो मैंने कहा जी घर जा के बात कर लेता हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 1:30, क्योंकि अब शोर नहीं है बाहर, सुकून चिल माहौल में बैठा आपका भाई. अरे जी यू नो, इस महीने ना मैं 20 साल का हो जाऊँगा. ज़िंदगी के 19 साल गुजार चुका हूँ, मतलब 20वां भी अपने लगा हुआ है एंड पे. तो पता नहीं हर बार कहते नहीं क्या होता है मेरे साथ, जब भी ये महीना आता है, जब भी मेरी बर्थडे करीब आती है, मुझे लगता है कि यू नो आई लाइक स्टार्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग, कि ऐसा क्यों है, मैंने पिछले पूरे साल में किया तो किया क्या, हैव आई बिकम बेटर पर्सन, इस तरह के. तो ना एक डिप्रेशन सा आ जाता है मेरे पे, और अपेरेंटली ये डिप्रेशन सा जो फेस था ये पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा था. डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, बॉडी यू नो एक हर चीज़ ग्लूमी ग्लूमी से वाइब दे रही थी. जितनी खुशी भी हो तो लगता था कि यार जिस तरह कुछ चीज़ कम है यहाँ पे, ठीक है हंस रहे हो लेकिन आपको पता है यार एम्प्टीनेस नहीं फीलिंग आ जस्ट यू नो कम आई कॉन्ट कॉम्प्रीहेंडेड. मैंने सोचा था पिछले उसी दौरान के 3 महीने वीडियो ना अपलोड करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने वीडियो बना रहा था, मेहनत भी कर रहा था, रातों में जाके सभी जागा हूँ, और ये एक लाइट बना के मैंने खुद लाइट बना के यहाँ लगाई हुई है, वो पड़ी है पीछे लगी हुई है, लेकिन ऐसे लाइटिंग लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नए इक्विपमेंट ला रहा हूँ, तो इसके बावजूद व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ठीक है. और थोड़ा अर्सा तो बंदा कहता है कि यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है जाने दो, कोई नहीं आ जाएंगे, लेकिन जब आप देखते हो कि यार एक बंदा फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी एक बंदा है, वो तो इतना कुछ कर नहीं रहा, वो तो खाली कैमरा उठाता है हा हू करता है और
उस तरह वीडियोस डाल के डाल देता है और उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, आप कंपैरिजन शुरू कर देते हो अपना उसके साथ, तब ना बंदा एक डिप्रेशन चल जाता है कि यार मेरे साथ ही क्यों। सो आई स्टॉप मेकिंग वीडियोस, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट मतलब मुझे पता चल गया जल्दी कि मेरा जितना भी था, जो कुछ भी था, मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस करते थे 1.5 साल से, कोई भी इमोशन था मेरे, सैडनेस थी, हैप्पीनेस थी, दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ तो वो खुशी का लम्हा मैं स्टोर कर रहा था, दिखा रहा था, लोगों से शेयर कर रहा था, वो सब कुछ यू नो वेंटिलेट करना, ठीक है, इफ़ आई एम हैप्पी आई एम यू नो शोइंग इट द वर्ल्ड, बता रहा लोगों को यार मैं खुश हूँ, अगर डिप्रेस हूँ तो मेरी वीडियो में नज़र आ जाएगा यार कि ये डिप्रेस है, वीडियो थोड़ी वैसी सी होगी, ठीक है। तो जब 3 महीने मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे इस बात का अंदाज़ा होगा कि हो गया कि इससे वेंटिलेट करता अपने आप को मैं, ठीक है। तो वो इमोशंस इतने ज़्यादा जकड़ के अपने अंदर में रख लिए सारे कि मैं बिल्कुल एक वो ना एक मेंटल स्टेट में हर वक्त रहने शुरू हो गया कि ना कभी यू नो आगे पीछे जाना, फैमिली में नहीं जाता आगे पीछे, हफ्ते में एक दफ़ा एक दोस्त साथ या दो दूसरे के साथ एक चला गया बाहर घूमने, बस पूरा दिन पड़ा है बिस्तर पे, कोई काम नहीं। तो 2-1 महीने जब गुजरे तो मैंने कहा यार कि अब मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए, अगर इसी के थ्रू मेरा लाइक मुझे वेंटिलेट कर रहा था मैं, सुकून मिल रहा था, तो ठीक है जी। सो आई डिसाइड टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर दैट वीडियो, मैंने कहा कि बताऊँ कि व्हाई डिड आई स्टॉप मेकिंग वीडियोज एंड व्लॉग्स, व्हाई डिड आई सीज टू एग्जिस्ट ऑन सोशल मीडिया, मैंने कहा कि इंस्टाग्राम बंद था मेरा, मैंने कहा बताऊँ ऑल द थॉट्स दैट kept going through my mind all day long. फिर मैंने कहा कि कोई इंटरेस्टेड क्यों होगा इसमें, मैंने कहा जी मिस करो YouTube, मिस है ख़त्म सी। बट देन वन डे आई वॉज हैविंग दिस डीप कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो होती है ना रात के 1-1.5 बजे के बाद वाली, वो वाली, एंड ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन आई रियलाइज के ही हैड द सेम फीलिंग्स एज आई डिड, दैट feeling of void and emptiness, he had that too. The thoughts that made me question everything, he had that too. That feeling of depression all day long, even when you are smiling and laughing, he had that too. That feeling of being insignificant, not being good enough, being unimportant, not being able to achieve anything in life, he had that too. And I realized that that person, my friend, is you. That person is every single person around you. That person is every single person who has ever existed at some point in their life. उन्हों को यहाँ लेक्चर छाने नहीं आया, बस इतना बताने आया हूँ कि you are good enough. You are important. Just start believing in yourself. और जब तुम अपने आप पे बिलीव करना शुरू करोगे, तुम नज़र आएगा कि आसपास जितने लोग हैं, तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे पहले हंसते थे, या फैमिली के लोग आगे पीछे जो भी, they will start believing in you. Keep dreaming, man. ख्वाब देखो man. हम लोगों ने ख्वाब देखना छोड़ दिए. ख्वाब देखें क्योंकि ख्वाब अच्छे होते हैं. आई लव सर्फ एक्सेल का. मान ला जी खुश रहें. यस yes.